मुझे बताओ ये प्लेटफॉर्म क्यों रखा है मैंने यहाँ पर? नमी मकई आई वाली। हाँ, अब समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि मैं नूरा और सुल्तान को बेचने की बातें क्यों कर रहा था। ये कब से चिल्लाए जा रहे। आने का सोचा था, आ ही नहीं पाया। 5 से 10 मिनट लेट हो गया हो बस। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। जब से मैं दुकान में काम कर रहा था कितना चिल्ला रहे चंटू बंटू। एक्चुअली उनको ना हैबिट हो गई है ये वक्त पे फीड करवाने की। सही है, हैबिट अच्छी होती है। अच्छी हैबिट है तो कोई बात नहीं, अगर बुरी हैबिट होगी तो फिर दिक्कत वाली बात है। फिर से ये लोगों ने देखो लाइट बंद कर दी है। मैं अभी 6:30 बजे तक भी देख रहा था तो ये सब सही थी लाइट। ये जब सवेरे सवेरे एक्टिव हो जाते ना बहुत भूख के मारे, तब ये उड़ी मारते यहाँ वहाँ, फिर वो बल्ब को टकराते और फिर लाइट चली जाती। ये अभी 15-20 मिनट ले गई है लाइट, अभी कुछ 650 या 655 हो रहे हैं। फटाफट इनको छोड़ते हैं तो गदर मचा देंगे। चंटू बंटू तो बिजी हो गया जुआ के साथ। अभी हम लोग भी कर लेते हैं यहाँ की साफ सफाई, मेरे लिए वार्म अप। आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी, जिम वाला जैकेट मैंने आज सवेरे सवेरे पहन लिया क्योंकि आज तो जिम बंद है, मगर हम लोगों को कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी है तो फटाफट यहाँ पे साफ सफाई करेंगे, यानी कि वार्म अप, हमारा वार्म अप हो जाएगा और फिर थोड़ा सा कंडीशनिंग वर्कआउट कर लेंगे। 15 मिनट क्यों होता कर लेंगे, वो कंडीशनिंग वर्कआउट अगर 5 मिनट भी कर लिए तो बहुत है। चलो भाई, ऑल साफ सफाई डन और चंटू बंटू भी चले गए उनके कंपार्टमेंट में। और ये देखो, ये रस्सी हमने बांध दी। ये रस्सी हमने क्यों बांध दी? हाई नीज करने के लिए, थोड़ा कंडीशनिंग वर्कआउट करेंगे क्योंकि आज देखो जिम बंद है और जैसे ही सूरज निकल जाएगा ना तो हम बाहर कहीं जाके कुछ कर नहीं पाएंगे, तो इसके लिए हमारे गोट रूम में ही हम लोग थोड़ा सा कंडीशनिंग वर्कआउट कर लेंगे। वर्कआउट करता हूं, फिर मिलता हूं आपसे। बहुत कर लिए भाई, 8:45 हो गए, बस आज के लिए काफी है। ये हमारा ऑलमोस्ट 2 लीटर पानी खत्म हो गया। जब मैंने थोड़ा सा कंडीशनिंग वर्कआउट कर लिया गोटरूम में, उसके बाद जब मैंने कैमरा रख दिया, उसके बाद मैंने नोयान को खोला और नोयान को खोलने का उसके साथ मैं खेल रहा था। इतना खेल रहा था कि वो कंडीशनिंग वर्कआउट से ज्यादा इधर मेहनत हो गई। चलो भाई आ गए हम, अभी दे देते तुमको हरी पत्ती तुम्हारी। बकरियों को उनका फीड दे देते और बकरों को उनकी हरी पत्ती और नोयान को उसकी बरसिंग। नोयान ने बहुत सताया आज, बड़ा मजा आया मगर नोयान के साथ खेलने आज। इसको देखो मैंने यहाँ डाल दिया। अब यहाँ क्यों डाला इसे वो आपको पता चल जाएगा थोड़े दिन में, आप लोग बने रहो। आज वैसे भी मेहमान आने वाले हैं हमारे गोट रूम में। हमारे गोट रूम का मेहमान आएगा तो वो हमारे साथ ही रहेगा और जो 2 मेहमान आएंगे उसे लेकर वो उसे छोड़ के हमारे साथ कुछ वक्त बिता कर चले जाएंगे। बने रहिए वीडियो के साथ, आपको पता चल जाएगा कौन आने वाला है। इतना पूरा साफ करने के बाद देखो फिर गंदा हो जाता है सब कुछ। इसे तो मैंने बाहर ही छोड़ दिया, खेलते रहो। मैं बोला यहाँ का तो हो गया हमारा सब कुछ, बकरियों को तो फीड हम लोगों ने डाल दिया। अभी हम लोग जाते हैं हमारी फीड का तैयार करते हैं। हमारी डाइट आ गई है, हमारी डाइट में ज्यादा चेंजेस नहीं है मगर चेंजेस है जरूर। सबसे पहले तो जाएंगे और ब्राउन ब्रेड ले जाएंगे। ब्राउन ब्रेड काफी दिन से खत्म हो गया था और मैं ब्राउन ब्रेड खा भी नहीं रहा था और बहुत सारी चीजें चेंज भी हुई है डाइट में, एक बार दिखा देंगे। मैंने अपनी डाइट तो फॉरवर्ड कर दी, अब वो बनते रहेगी अपने हिसाब से। ये देखो यहाँ पे क्या बन के रेडी है। वाह भाई, यहाँ पे ये बन के रेडी है। इनकी खुशबू सूंघ के ऐसा हो रहा है ना, मुझे क्या बताओ आप लोगों को। मगर हम हमारा ब्राउन ब्रेड लेके आ गए हैं, वो है यहाँ पर। हम ये खाएंगे 2 स्लाइस ब्राउन ब्रेड और हमारे हाफ फ्राई। 6 अंडों का हाफ फ्राई खाना है हमें, मगर हम लोग इतना नहीं खा पाएंगे एक वक्त पे, तो 3 अभी खाएंगे और 3 कुछ काम करने के बाद। माही जी तुम तो वड़ा पाव खाओगे, तुम्हारे तो मजे है माही जी। चलो भाई खाए पिए भर गया पेट, दोपहर के 12 बजने आ गए। जो टाइम पे हम लोग जिम में रहते वो टाइम पे हम लोगों ने एक मूवी देख ली, पूरी तो नहीं देखी, आधी देखी, इटर्नल्स। बहुत टाइम से देखनी थी, देख ली वो भी मैंने। यहाँ तो सारे के सारे आराम मूड में और कुछ कुछ एक्शन मूड में है। अब गोल्ड रूम में कुछ काम तो है नहीं हम लोगों को, नोयान को बहुत दिन से निलाना था तो नोयान को निला देंगे, काफी दिन से निलाना बचा हुआ था, आज थोड़ा वक्त है तो निला देंगे उसको। इतना पानी लेके आया, अभी मुझे भी थोड़ा पानी पिला दो। हो गया भाई हम लोगों का निलाकर नोयान को। ये देखो हालत, पूरा भीग गया हूँ मैं, एकदम तरीके से निलाया क्योंकि काफी दिन बाद निलाया हम लोगों ने। आज वक्त मिल गया, आज हम लोगों को, आज हम लोगों ने निला दिया। कितने दिन से बचा हुआ था इसे निलाना, मगर एक बड़े जानवर को कायदे से निलाओ ना तो हालत खराब हो जाती है। तो यहाँ पे फिर से हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म रख दिया। अभी आप लोग तो समझ गए होंगे कि यहाँ पे प्लेटफॉर्म क्यों रख दिया हम लोगों ने। माही जी इधर आओ, मुझे बताओ ये प्लेटफॉर्म क्यों रखा है मैंने यहाँ पर? बरका के वास्ते। क्यों? बरका तो अंदर है। तो बरका के लिए क्यों रखेंगे? सोचो नमी मकई आई वाली। हाँ? कैसे पता चला तुमको? ये सही बोले आपने और आप लोगों ने भी सही गेस की। जो 1.5 महीना पहले मैंने बकरी लेके रखी थी, फाइनली उसका वक्त आ गया है आज आने का घर पे हमारे, तो 3 दिन बाहर ही रखेंगे उसको, फिर 3 दिन बाद अंदर शिफ्ट करेंगे, इसलिए ये प्लेटफॉर्म मैंने यहाँ रखा। अब यहाँ आए तो खलीफा को भी स्टार्ट कर देंगे।
और चंटू बंटू को बाहर छोड़ देंगे, कितना चीख रहे देख रहे हो। खलीफा तो एक ही सेल्फी में स्टार्ट हो गई, कोई दिक्कत ही नहीं दी है खलीफा ने। हम लोगों ने उस दिन राइड किया ना, इसीलिए तो तुरंत स्टार्ट हो गई खलीफा। अभी फटाफट चंटू बंटू को छोड़ते हैं तो और चीखते रहेंगे। ये सुल्तान देखो ना कैसा सोता है हमेशा। चलो भाई डन, सारे काम हो गए। खलीफा को बंद कर देते पहले। चंटू बंटू ने दूध भी पी लिए, अरे जानवरों ने पानी भी पी लिया, हरी पत्ती खा रहे हैं। अभी हमारी डाइट हमें बुला रही है, अभी फटाफट जाना पड़ेगा। फ्रेश होते हैं और खाते हैं भाई हमारा खाना। 3 अंडे और 2 ब्राउन ब्रेड खाए अभी तक हम लोगों ने, 1:30 बज रहे। चलो भाई देखो, ये हमारे लिए एक रोटी बनके रेडी हो गई, ये हमारी डाइट की एक रोटी दोपहर की, और ये हमारी दोपहर की चिकन। तुम खाओगे हमारी डाइट का खाना? नहीं, तुम मेरे डाइट के चावल खाओगे, वो रात में मिलेगा आपको, क्योंकि अभी तो चावल नहीं है, रात में थोड़े से चावल रहेंगे वो खा लेंगे हम लोग। ये खाते खाते हम हमारी वो जो मूवी बची हुई थी वो भी देख लेंगे। मूवी का तो पता नहीं, मगर खाना खाने के बाद जो हम सोए हैं वो अभी उठे, और सोने से पहले हमें फोन आ गया था हमारे दोस्तों का, उन्होंने बोला आज तो बकरी लोड नहीं हो रही है हमारे साथ, हम लोग कल या परसों आएंगे। तो मैंने उनको बताया कि भाई 1.5 महीना रुके अभी और 2-3 दिन के लिए कोई दिक्कत नहीं, जब तुम्हें तुम्हारे हिसाब से लगे लेके जानी चाहिए तभी लेके आना, वो हिसाब से वो लोग कल या परसों आ जाएंगे। बकरी तो आ ले रही, आज नहीं आएगी, कल या परसों आएगी इंशाल्लाह। बिना ब्रेक, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, बिना ब्रेक की साइकिल मुबारक हो। कब से खेल रहे तुम लोग? अब इसलिए ना, अरे अरे नीचे देखो, बाप रे बाप। हम सो के उठने लग तो 5 बज गए, फीडिंग का वक्त हो चुका है, फीड करवा देंगे जानवरों को। उठ जाओ सब लोग, हम आ चुके हैं, उठ जाओ भाई। चलो भाई, ये लोग तो बिजी हो गए, सारे के सारे बिजी हो गए। ये लोग तो फीड खा रहे हैं, मगर हम लोगों को दूसरा काम करना, और फीड में हम लोग रोज 5 ग्राम मिनरल मिक्सचर मिला रहे हैं, ये भूलना मत। माही जी बस करो, अभी पूरे 1.5 घंटे बाद सेकंड राउंड डालने आए हैं हम, पूरा बिजी हो गए थे हम। वो मूवी में जो बची हुई थी वो हमने कंप्लीट करी, दोपहर से लेके हमको रात हो गई वो एक पिक्चर देखते देखते। इसी से अंदाजा लगा कि हमको कितना टाइम है, 2-2.5 घंटे की पिक्चर नहीं देख पाते हम। अभी फटाफट चंटू और बंटू को अजवा के पास छोड़ देते, पुकार रहे हमको कब से। तुम तो खाओ सेठ जी, खाओ आराम। यहाँ पे हमारा तो सारे जानवरों को पानी पिलाकर हो गया, मगर अभी हम कुछ सोच रहे, और क्या सोच रहे हो बताते आप। हमारा सिर्फ ये वाला एक कंपार्टमेंट खाली है, सुल्तान यहाँ पर है और बाकी वो दोनों फीमेल वहाँ पर। जैसे कि सवेरे मैंने आप लोगों को बताया, हमारी एक फीमेल जो मैंने लेके रखी थी वो आने वाली है, वो इंशाल्लाह कल या परसों आ जाएगी। तो जब भी आएगी तो मैंने सोचा था ये वाले कंपार्टमेंट में डालेंगे, मगर ये वाले अगर कंपार्टमेंट में डालेंगे हम लोग जो एम्प्टी वाला है, तो फिर तो वही मामला हो जाएगा, रजिया गुंडों में फंस गई वो वाली सीन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सुल्तान है और वहाँ पर नूरा, यहाँ पर उसे बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी सुल्तान को यहाँ से खोल कर यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। लड़ोगे तो तुम पक्का, मुझे पता है। हम लोग तो सुल्तान को ये वाले केज में ही बांध के रखे हैं, साइड वाले केज में भी शिफ्ट करेंगे तो वहाँ पे भी बांध के ही रखेंगे। अगर फिर भी नूरा उससे लड़ता है तो फिर नूरा को भी बांधेंगे। जल्दी से जल्दी ये दोनों जानवर अगर बिक गए हमारे तो हमें ये दिक्कत नहीं आएगी। अब समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि मैं नूरा और सुल्तान को बेचने की बातें क्यों कर रहा था। ये सारे केजेस जो पीछे आप लोग देख रहे हो ये सारे के सारे फीमेल्स के लिए बने हैं, ना कि मेल्स के लिए। मेरा जो इरादा है वो मैंने बाद में चेंज किया, जब मैंने सारे जानवरों की खरीदी करने के बाद मेरे दिमाग में आया था नहीं यार इस बार हम लोग बकरियाँ लेंगे और उसमें कुछ करेंगे। फिर तो आप लोगों ने देख ही दिया कि हम लोगों ने क्या किया और क्या नहीं किया। देखते इनको एडजस्ट करने की कोशिश करते, नहीं तो फिर क्या करना पड़ेगा, जल्द से जल्द सेल करना पड़ेगा या तो फिर इनको मंसूर भाई के फार्म पे भेजना पड़ेगा। ये देखो सुल्तान को हम लोगों ने शिफ्ट कर दिया, रस्सी से बांध दिया, नूरा को भी हम लोगों ने रस्सी से बांधा है, फिर भी इनकी मस्ती कम नहीं हो रही है। देखते हैं, फिलहाल तो इस चीज़ को अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं, देखते हैं इन पे ध्यान देते हैं कैसा करते हैं। 2 दिन तक रहेंगे तो हैबिट हो जाएगी मुझे लगता है ऐसा, तो फिर शांत हो जाएंगे। 2 दिन बाद तो फिर हमारी फीमेल आ जाएगी, फिर वो 3 दिन बाहर रहेगी, फिर 3 दिन के बाद हम लोग अंदर लेंगे। तो मतलब हम लोगों के पास 5 दिन है इन लोगों को हैबिट लगवाने के लिए। सुल्तान और नूरा को बांधने के बाद दोनों ऐसा लड़ रहे थे कि बिल्कुल एक सेकंड के लिए भी रुक नहीं रहे थे, तो मैंने दोनों को दूर दूर बांध दिया। फिर तो जब से तो अब तक नहीं लड़ रहे, फिर भी हम लोग देखते रहेंगे, अगर लड़ने लगे तो फिर जैसे थे वैसे ही छोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखो हमारी डाइट का खाना आ चुका है। आज हमने खिचड़ी बनाने बोली, सूखा चिकन, और हमारे जो 3 अंडे मॉर्निंग में खाने बचे हुए थे वो अब खा रहे हम। यही है हमारा खाना, अब कल से हम डाइट नहीं दिखाएंगे, हमारी डाइट आपको पता चल गई। आज हम लोगों ने मिड प्रैंक्स मिस कर दिया, हम लोग मिड प्रैंक्स में 5 बादाम या तो फिर 250 ग्राम दही खा सकते थे, अगर आज हम लोगों ने नहीं खाए 100 गए स्किप कर दिए हम लोगों ने, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये खाएंगे ग्रीन टी पीएंगे। बार बार मैं अपनी डाइट दिखाऊंगा, आप लोग बोर हो जाओगे, आप लोग बस अभी रिजल्ट देखो। तो चलो यही नोट पे ब्लॉग को एंड करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। टिल देन स्टे सेफ, पीस, हास्ता ला विस्ता, अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड गुड बाय। मैं तो बड़ा कंफ्यूज्ड हूँ नूरा को और सुल्तान को लेकर, क्या करेंगे हमारी जो बकरी आना बची है वो आने के बाद, वेरी कंफ्यूज्ड।